नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मेरे इस वीडियो में जिसमें टाटा पंच की बात करने वाले हैं दोस्तों। तो टाटा HBX है, टाटा पंच है, क्या है, माइक्रो SUV है या फिर सेम SUV जो कॉम्पैक्ट SUVs आ रही है वही है, क्या प्राइस रेंज रहने वाला है, क्या पावर ट्रेन रहेगी, क्या इंजन ऑप्शंस रहेंगे, सारी कुछ बात करते हैं। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की दोस्तों, क्योंकि टाटा ने रिवील कर दिया है, लॉन्च का कुछ डेट अभी फिक्स नहीं किया है, लेकिन हाँ ये चीज़ें धीरे धीरे आ रही है कि भाई पंच दिवाली के आसपास लॉन्च होने वाली है। तो कब लॉन्च होगी, क्या प्राइस रेंज रहेगा, चलिए सब कुछ जानते हैं। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ आपको मिलती रहेगी जब भी कोई गाड़ी लॉन्च होने वाली है। तो सबसे पहले बता दूं, कुछ दिनों पहले टाटा का जो ऑटो एक्सपो में देखा गया था, टाटा HBX जो उन्होंने वहाँ पर शोकेस किया था कि भाई एक माइक्रो SUV टाटा बनाने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया गया था। इवन ऐसे भी लोग थे जो कि अल्ट्रो छोड़ रहे थे कि यार टाटा HBX जब लॉन्च होगी तब ली जाए, क्योंकि प्राइस रेंज कम है, एक SUV वाला फीलिंग वो गाड़ी दे रही थी, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा था। तो हाँ, HBX वैसे भी अभी मार्केट धीरे धीरे SUV की तरफ बढ़ रहा है, तो एक बहुत अच्छा चीज़ हो जाती कि बजट रेंज में एक माइक्रो SUV लोगों को मिल जाती। तो फाइनली उनका इंतज़ार जो लोग रुके हुए हैं ख़त्म होने को आया है, कुछ समय में टाटा लॉन्च करने वाला है HBX। अब ये HBX ही जो है दोस्तों टाटा पंच के नाम से होने वाली है। हालांकि टाटा ने ऐसा कुछ नहीं कहा है अपनी तरफ से, लेकिन जिस हिसाब से फीचर्स है, जिस हिसाब से दिख रहा है कि एक माइक्रो SUV लॉन्च होने वाली है, यही चीज़ पिछली बार सफारी के समय इन्होंने की थी। ग्रेविटास नाम से उस गाड़ी का पूरा मतलब कहानी चल रही थी और उन्होंने सफारी के नाम से उस गाड़ी को लॉन्च कर दिया। वही चीज़ अभी भी है कि HBX जो है कोड नेम रहने वाला है, अभी तक कोड नेम था जो लोगों को पता था, लेकिन अब जो है उसे टाटा पंच के नाम से लॉन्च किया जाएगा। तो पहला जो लुक है, जो फ्रंट लुक है कंपनी ने दिया है, भाई एक फ़ोटो जारी की है, मतलब जिसमें दिख रहा है सामने से जो फ्रंट लुक है वो लगभग सफारी से मेल खाता हुआ सा दिखाई देता है। जो हेडलैम्प सेटअप है, जो ह्यूमैनिटी लाइन है, वो थोड़ी टाटा सफारी, टाटा हैरियर की तरह दिख रही है दोस्तों। हालांकि जो रियर लुक है अभी तक दिखाया नहीं गया है। जो मेन अट्रैक्शन की बात है दोस्तों, ये है कि ये अल्फा आर्किटेक्चर पर ही बना हुआ है, मतलब जिस आर्किटेक्चर पर अल्ट्रोज बनी हुई है सेम आर्किटेक्चर इन्होंने यूज़ किया है। इसका मतलब गाड़ी की सेफ्टी जो है वो भी 5 स्टार के आसपास ही रहने वाली है, उम्मीद तो यही लगाई जा सकती है दोस्तों, क्योंकि आर्किटेक्चर इतना अच्छा है जो पूरा का पूरा शॉक अब्सॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब है कि आपकी सेफ्टी को मेन रखा गया है। इंजन की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर टाटा के पास जितने भी इंजन अवेलेबल हैं इस सेगमेंट के लिए, हालांकि डीजल पर नहीं जाएंगे, डीजल जो 1.5 वाला नेक्सॉन में आता है वो हो सकता है कि इस गाड़ी के साथ लॉन्च हो। बाकी टाटा जो है अपने एंट्री लेवल मार्केट में ज़्यादा डीजल इंजन देता नहीं, जैसे टिगागो और आप देख सकते हैं। बट इनके पास 3 पेट्रोल इंजन हैं, एक तो रिवर्ट्रॉन इंजन है, उसी में अगर टर्बो चार्जर लगा दिया तो वो चीज़ सेम आपको नेक्सॉन में दिखाई देती है, या फिर अल्ट्रोस के लिए जो आई टर्बो डिज़ाइन किया गया था। अब देखना ये है कि इस वाली गाड़ी के साथ कौन सा टर्बो इंजन ये देते हैं। अब सीधी सी बात है, अगर ये माइक्रो SUV लॉन्च कर रहे हैं तो पावर ज़्यादा होनी चाहिए, जिसके लिए टर्बो चार्ज इंजन तो ज़रूर देना पड़ेगा। अब बाकी जो एंट्री लेवल कॉम्पैक्ट सेडान्स है, जैसे कि मैग्नाइट हो गई, या फिर बात कर लें काइगर की, इनमें जैसा कि हमने देखा था कि बेस वेरियंट्स हैं, मिड वेरियंट्स में जिस प्रकार से विदाउट टर्बो इंजन दिए गए थे, ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, लेकिन जो गाड़ी का एक लुक है वो कॉम्पैक्ट SUV होने की वजह से गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई। हो सकता है इसमें भी वैसा किया जाए, लेकिन अगर सारे टर्बो मिलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात होगी। जो इमेज लॉन्च की गई है उसमें सेम चीज़ दिखाई देती है कि जो ह्यूमैनिटी लाइन है, जो हेडलैम्प सेटअप है, वो थोड़ा सा टाटा हैरियर वाला LED लैंप्स दिखाई दे रहे हैं सामने की तरफ। जो ग्रिल है काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, क्लैडिंग वगैरह प्रॉपर दी गई है, हालांकि क्लैडिंग तो नहीं है, व्हील आर्क के पास जो क्लैडिंग वगैरह है वो थोड़ा सा SUV लुक देने में इसे सपोर्ट करती है। सामने की तरफ ग्रिल पे देखेंगे टाटा का सिग्नेचर वाई डिज़ाइन का मोटिफ लगा हुआ है। अगर इंटीरियर वाइज बात करें दोस्तों, अभी तक तो कुछ टाटा ने ऐसे रिवील नहीं किया, लेकिन जब वो एक्सपो की बात करें वहाँ जिस हिसाब से जो इंटीरियर था, तो एक्सपेक्ट वही कर सकते हैं कि उसी तरीके का जो इंटीरियर होगा, मतलब 7 इंचेस का टच स्क्रीन सिस्टम होगा कनेक्ट नेस्ट की तरफ से। हो सकता है कि जैसे कि अभी तक हार्मन के स्पीकर टाटा यूज़ कर रहा है, लेकिन सिर्फ JBL आपको हैरियर में प्रोवाइड करता है या सफारी प्रोवाइड करता है, हो सकता है इस गाड़ी में भी टॉप एंड वेरियंट के लिए JBL प्रोवाइड किया जाए, जो कि एक अट्रैक्शन के लिए ज़्यादा बढ़िया चीज़ हो सकती है, क्योंकि स्पीकर JBL का अगर वहाँ बैजिंग मिल जाए
जाती है तो थोड़ा और ज्यादा लोगों को अट्रैक्शन मिल जाता है उस चीज से। स्टीयरिंग व्हील जैसे कि अल्ट्रोज में आपने देखा है फ्लैट बॉटम है, तो उसकी वजह से थोड़ा एरिया और बढ़ जाता है। और जैसे कॉकपिट डिजाइन अल्ट्रोज में देखा है, क्योंकि यहाँ पर आर्किटेक्चर सेम है तो हो सकता है सेम डिजाइन रखा जाए या थोड़ा बहुत और स्पोर्टी लुक प्रोवाइड किया जाए उसे। हालांकि स्पेस काफी हद तक बढ़िया है, जो इसकी राइवलरीज होंगी जैसे जो प्राइस रेंज बताया जा रहा है वो लगभग 5 लाख के करीब होगा। हालांकि जब ये गाड़ी एक्सपो किया गया था तब भी यही चीज हो रही थी कि लगभग 5-5.5 लाख तक ये गाड़ी लॉन्च होगी। ग्राउंड क्लियरेंस काफी तगड़ा दिखाया जाता है दोस्तों, तो ग्राउंड क्लियरेंस अगर इतना बढ़िया है तो ये गाड़ी काफी ज्यादा गाड़ियों को टक्कर दे सकती है, मतलब जितने भी 5-10 लाख के सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियां आ रही है। इवन जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं जो कि 10 लाख के अंदर बजट में मिल रही हैं आपको, जैसे कि काइगर हो गई, जैसे कि निसान मैग्नाइट हो गई, इन गाड़ियों को भी खासी टक्कर ये पंच दे सकती है। नाम काफ़ी बढ़िया रखा है दोस्तों, टाटा पंच। सो जैसे कि टाटा अल्ट्रोज एक प्रीमियम हैचबैक गाड़ी है, ये गाड़ी का नाम ही माइक्रो एसयूवी है, तो हो सकता है कि उतने ज़्यादा फीचर्स, मतलब जैसे रियर एसी वेंट्स है वो ना दे करके फ्रंट एसी को ही थोड़ा पावरफुल किया जाए, मतलब सेम फ्रंट एसी दिया जाए जिससे कि पूरा केबिन ठीक ठाक रहे। हाँ, आपको हाइट थोड़ी ज़्यादा गाड़ी की मिल सकती है, थोड़ा सा इंग्रेस एग्रेस में थोड़ा आपको ज़्यादा हाइट पर चढ़ना पड़ सकता है। गाड़ी थोड़ी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ आ सकती है। ऑफ रोडिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल जंगल में घुसेड़ देना है गाड़ी को और पत्थरों पर चलाना है। ऑफ रोडिंग मतलब कि हाँ छोटे मोटे ब्रेकर क्रॉस कर सके और मतलब कच्चे रास्तों पर आराम से चल सके। क्या कुछ चीज़ें होंगी वो तो दोस्तों लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा, ज़्यादा कुछ रिवील किया नहीं गया है, लेकिन इतना पता है कि जो भी होगा बहुत ज़्यादा खास होगा और काफ़ी ज़्यादा तगड़ी टक्कर देने वाली है अपनी सारी जितनी भी 5-10 लाख की गाड़ियाँ उनको, चाहे फिर वो हुंडई i10 नियोस हो जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो रही है टर्बोचार्ज इंजन की वजह से, चाहे वो काइगर हो, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, आप हुंडई की बात कर लें, फोर्ड की बात कर लें, मारुति की एस्प्रेसो की बात कर लें, अगर उसको भी मतलब ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। बट जब आपके सामने एक ऐसी गाड़ी होगी जो काफ़ी अच्छी सेफ्टी रेटिंग लेकर, काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर और बिल्ड क्वालिटी लेकर के आएगी, तो क्या एस्प्रेसो लेना उस समय सही होगा या फिर लोग जाएंगे कि यार एक बार टाटा पंच लिया जाए? क्या ये गाड़ी एक्चुअली बाकी सब गाड़ियों की सेल पे पंच कर सकती है? देखना ही होगा दोस्तों। सो फिलहाल तो इतनी ही जानकारी है, जैसे इसके बाद कोई और जानकारी हमारे पास आती है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।